फायरिंग से मचा हड़कंप। जनरल स्टोर पर बदमाशों ने झोंके चार फायर। फायरिंग की वारदात सीसीटीवी में कैद। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सर सैयद नगर की घटना। तो पॉश कॉलोनी में फायरिंग हुई। प्रमोद कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। जी प्रमोद, पॉश कॉलोनी में फायरिंग से हड़कंप मचा है। एक जनरल स्टोर में चार बदमाशों ने चार फायर झोंके हैं और सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हुई। क्या कुछ पता चल पाया, ये चार कौन लोग थे और क्यों फायरिंग करी? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सरकार और पुलिस के तमाम जो अधिकारी है तमाम दावे और वायदे कर रहे हो कि लगातार एनकाउंटरों का सिलसिला जारी है, अपराधियों पर अंकुश लगता आ रहा है। बावजूद इसके अगर अलीगढ़ की बात की जाए तो ये पूरा मामला अलीगढ़ के सर सैयद नगर एक पॉश कॉलोनी है, वहां का मामला है। थाने से 70 कदम की दूरी की घटना है। पॉश कॉलोनी में जिस तरीके से दो हथियारबंद बदमाश आते हैं और पिस्तौल पर फायरिंग करते हैं, फायरिंग की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। हालांकि इस दौरान दो लोगों की दो लोग बाल बाल बचे, क्योंकि एक कस्टमर काउंटर पर खड़ा था, दूसरा जो जो दुकान मालिक थे वो भी बैठे हुए थे और बिल्कुल गोलियां उनके बराबर से गुजरी हैं। कहीं ना कहीं बिल्कुल बाल बाल वो लोग बचे और शीशे वीशे जो शोरूम में लगे हुए थे वो तमाम शीशे टूट रहे हैं। घटना की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए, जांच पड़ताल में जुटे हुए। और बात अगर सीसीटीवी फुटेज की जाए तो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज ले लिया। हालांकि दुकान जो मालिक है उनका सीधे तौर पर कहना है कि सुबह कोई व्यक्ति दुकान पर कुछ खरीदारी करने के लिए आया था, उसी दौरान उसके मामले बात को लेकर खड़ी हो गई और वो धमकी देकर चला गया था कि शाम तक वो कोई ना कोई घटना को अंजाम देगा। और सामना घटना हुआ भी यही कि जैसे ही सुबह दुकान। जी प्रमोद शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। प्रमोद ने बताया कि उस समय जिस समय फायरिंग हुई उस समय शॉप पर दो लोग मौजूद थे। फिलहाल सब लोग सुरक्षित हैं।